हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज है दूसरा नवरात्रा, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। आप सभी को नवरात्रि की, दूसरे नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौसम आज बहुत ही अच्छा हो रखा है, कल भी अच्छा था, बिल्कुल ब्राइट ब्राइट, तो बारिश का मौसम चला गया है और अच्छे वाला मौसम आ गया है जो फेस्टिवल में आता है। सारा काम ख़त्म करके मैं हुई हूँ रेडी, और ये आज मैंने जो है हल्की सी साड़ी पहनी है, तो बस मैंने सोचा कि चलिए आज पहन लेते हैं। और घर का काम सारा ख़त्म हो गया है, कपड़े वगैरह सब सूख गए हैं, और आज मैंने मंगलसूत्र भी पहन लिया, कल मैं भूल गई थी, आज मैंने पहन लिया। और अब कपड़े वगैरह सुखा के मैं जा रही हूँ शॉप पे रेडी होके। मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करना है क्योंकि सुबह तो चला गया था आंसी। एक आजकल क्या है कि पूजा में ही बहुत लेट हो जाता है, डबल डबल पूजा पाठ वगैरह करना और फिर खाना किचन, तो वो सारा करके अब कंप्लीट हो चुकी हूँ। वाइट कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं, वो धुले मिलेंगे, फिर जो है आने के बाद उनको सुखा दूंगी। और मैं लेट आऊँगी, कोई ऐसा नहीं है कि लंच टाइम पे आऊँगी, आज मुझे लेने आ गया है। हेलो, हेलो जी, तो जो भी काम है वो अब करके आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ आने के बाद। हाँ जी, शॉप से आने के बाद, फिर आने के बाद क्या, मैं शॉप से ही आ गई हूँ बाहर मार्केट के साइड। थोड़ा सा काम था और लेट काफ़ी हो गया है, मैं घर नहीं गई। 3:30 का टाइम है जब मैं निकली हूँ। ये आए थे ऑफिस से, इनको आना था थोड़ा जल्दी, लेकिन वही होता है ऑफिस से इतनी जल्दी इंसान नहीं निकल पाता। और ये आते नहीं हैं, अगर श्रेय होता तो वो मेरा काम करा देता, काम मेरा ही था, इनका नहीं था। तो या तो ये कर पाएंगे या फिर श्रेय करा देता है। अंश को मैं अभी नहीं इस तरह के काम कराती हूँ, इम्पोर्टेंट काम है, थोड़ा सा बैंक वगैरह का काम है। मौसम तो हो रहा है बहुत बहुत प्यारा, तो अब जो है काम करके हम वापस घर आ रहे हैं, और अब और भी लेट हो गया है, करीब 1 से 1.5 घंटा हमें लग गया है, थोड़ा लेट ही हो गया। और अभी तक सुबह से मेरा खाना पीना कुछ भी नहीं हुआ है, भूख भी लग रही है और थोड़ा सर भी भारी हो गया है। तो ये तो चले गए हैं अपने ऑफिस, मैंने बोला था कि चाय पी के चले जाना, लेकिन नहीं, ये चले गए, बीच में ही आए थे। और बस मैं आई हूँ, चाय भी एक बार तो अंश बना चुका है अपने पापा जी के लिए, और मैं बना रही हूँ अब अपने लिए, क्योंकि लेट हो रहा है, तो पापा की चाय जल्दी बन जाती है। अंश घर पे ही था तो उसने बना दी थी। और अब तो करीब जब मैं आई हूँ 5 बज गए हैं, अब तो घर आने का टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन क्या करूँ, सुबह से ऐसे नहीं रह सकती पूरा दिन। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए फिर शॉप पे ही गई थी, लेकिन ये बार बार ना मैं शॉप वगैरह पे रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। और अब टाइम है ये रात की पूजा का, तो शॉप से मैं जल्दी ही आ गई थी, थोड़ी देर के लिए गई थी, कुछ काम था, ज़्यादा देर नहीं रुकी हूँ। लेकिन नवरात्रि में मेरा ऐसा ही चलेगा, मैं पूजा नहीं छोड़ सकती, तो शॉप भी नहीं छोड़ सकती, पूजा भी नहीं छोड़ सकती, और बीच में खाने वाने का काम भी सारा ही करना होता है। तो बस मैं जो टाइमली आती हूँ ना हमेशा, उससे जल्दी आ जाती हूँ 1/2 घंटा। तो आके फिर नहा धो के, पूरा दिन हो गया था घूमते घूमते, नहा धो के कर लेती हूँ मैं आराम से पूजा। तो बस अब मैं पहले पूजा करूँगी, और इस टाइम मैं अकेले ही कर लेती हूँ, क्योंकि पापा की पूजा पहले हो जाती है, लेट काफ़ी हो जाता है, और कोई इस टाइम घर पे होता नहीं है। श्रेय होता है तो वो आरती वगैरह ले लेता है, उसको इतना पूजा वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, आजकल के बच्चों को इतना होता नहीं है, तो आरती वगैरह वो ले लेता है, मुझे भोग प्रसाद इस तरह के काम कर देता है, पर ये नहीं कि बैठ के मेरे पास साथ पूजा करे। अंश को थोड़ा शौक है तो उसके पास टाइम नहीं है, वो शॉप पे है। हाँ जी, तो खाना मैंने बना दिया, मैंने नहीं, कुछ मैंने बनाया, कुछ श्रेय ने, मतलब मैं खाना चढ़ा के और पूजा करने बैठ गई थी। पूजा मेरी लेट हुई है आज, क्योंकि मैं शॉप से आई हूँ, फिर आके मैं नहाई हूँ, पूरा दिन हो गया था इधर उधर घूमते हुए। और खाने में आज बनाया है, कुकर आपको दिख रहा होगा, साबुत मसूर, मलका मसूर और चावल, रोटी नहीं बनाऊंगी, और मेरा मेरा अभी तक कुछ नहीं बना है। इनको दे देती हूँ अभी अभी खाना, क्योंकि बज गए हैं 9 और अंश नहीं आया है अभी। हाँ, ये आ गए हैं, ये बाहर हैं अपने जो है वो जो वो हमारा गोलू है, हमें नहीं पता वो मेल है फीमेल है, गोलू गोली जो भी है वो, तो उसके साथ ये खेल रहे हैं बाहर, तो इनका ये चल रहा है और मेरा मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है। बस अंधेरे में क्यों बैठे, पीछे गिरा दिया, हाँ अंधेरे में बैठे गोलू महाराज को लिए गोलू महाराज को पीछे लंच निकाल दिया।
अब तो बर्तन पड़े मेरे, बर्तन पड़े देखो, किसी के चाय के पड़े, किसी का लंच बॉक्स पड़ा, एक और लंच आ गया, देखो ये लिया पापा का लंच, तो मेरे तो काम पड़े हैं। और यहाँ पे बनी है साबुत मसूर की दाल, ये देखिए जी ये वाली, और यहाँ पे बने हैं चावल। तो ये हमारा खाना तो बन गया है, अब मैं खाना देने की तैयारी इनको करती हूँ। चल बेटा वो क्या है, वो क्या कहती है, खीर है क्या, अलग रखा क्या, कर रखा आल कहाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, और ये देखो मंदिर में गोलू आया था पूजा करने के लिए, मेरा जो आसन वासन सब इकट्ठा करके साफ, मैंने ध्यान नहीं दिया, श्री ने ध्यान दिया कि मम्मी ये मंदिर में घुस रहा है, तो ऐसा करते हैं, ये पहले भी करते थे जब छोटे आए थे ना, पहले नवरात्रि में ही आए थे ये दोनों छोटे, जो पिछले नवरात्रि थी, नवरात्रि से पहले दिन आए थे, तो ये भी मंदिर में बहुत घुसते थे उस टाइम, बड़े होके अब नहीं घुसते, तो ये छोटा घुसता है। तो जी चलिए मैं जो है खाना दे देती हूँ और अपना देखती हूँ क्या करती हूँ। किचन का काम मैंने कर दिया है सारा, बर्तन वगैरह किचन क्लीन, खाना दे दिया है सबको, और अब मैं क्विक सा अपने लिए कुछ बना रही हूँ, क्योंकि डेली का व्रत है, ऐसा नहीं है कि एक दिन का है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ये थोड़ा सा मैंने लिया है कुट्टू का, सिंघाड़े का आटा जो होता है मिक्स है ये, और ये है पनीर जिसको मुझे ग्रेट करना था, लेकिन ये देखिए कौन सा तरीका मैंने लिया है, ग्रेट वगैरह का झंझट नहीं, बहुत जल्दी मुझे ये करना है। और यहाँ पे पनीर मैंने इसमें डाल लिया है, और अब इसमें मैं जो है हरी मिर्ची वगैरह ये सब कट कर दूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया, हरा धनिया हम फास्ट में खा लेते हैं, कुछ लोग नहीं खाते होंगे शायद, और हरी मिर्ची जो है रेड चिली नहीं खाते हैं, और जो सूखा धनिया होता है वो भी फास्ट में मैं नहीं खाती हूँ, कुछ लोग खाते हैं लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। जीरा बस मसाले में मैं सिर्फ जीरा यूज़ करती हूँ, और जीरा भी मैं अलग रखती हूँ अपना, मसालादानी का यूज़ नहीं करती, क्योंकि फास्ट में सब इसी तरीके से करते हैं तो अलग ही रखना चाहिए, उसमें नमक वगैरह के हाथ लगे रहते हैं। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, ये सब कुछ भी मसाले हम नहीं खाते हैं। हाँ काली मिर्च आप डाल सकते हैं, काली मिर्च खा लेते हैं, ब्लैक पेपर, और इसको मैंने मिक्स कर लिया है आटे के साथ, और थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ पे सॉरी जो उसका कुट्टू का और सिंघाड़े का आटा है तो उसके साथ मैंने ये सब कुछ मिक्स कर लिया है, और इसमें नमक ऐड किया है व्रत वाला, जो फास्ट वाला नमक होता है सेंधा नमक, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है थिक और हो जाता है ऐसे, और मुझे ये बैटर बनाना है। चीला बना रही हूँ मैं, पनीर का चीला, पनीर और कुट्टू सिंघाड़े का आटा जो भी आपके पास हो उसके साथ आप इसको बना सकते हैं। तो पनीर चीला बना रही हूँ, इससे ये है कि दिन भर मेरा खाना पीना देखा ही आपने कोई ज़्यादा नहीं होता है, तो शाम में थोड़ा सा जो है हेल्दी सा मिल जाए कुछ, तो नेक्स्ट डे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मैं इस बार मुझे बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम सी हो रही है, क्योंकि वीकनेस अभी तक मेरी सर्जरी की नहीं गई है, और काम इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि शॉप पे भी ड्यूटी देनी होती है, आना जाना, जल्दी जल्दी घर का काम ख़त्म करना, तो थोड़ा सा ये हो रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, ये दो छोटे छोटे चीले इसमें डाल दिए हैं एक साथ ही, थोड़ा सा घी इस पे तवे पे डाल लिया है, ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई घी ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। और बस इनको मैंने पलट लिया है, मीडियम आँच पे इनको सेकना है, और ये चीले बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनते हैं, आप इसमें वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं जो भी आप फास्ट में खाते हो, आलू भी इसमें ऐड कर सकते हैं ग्रेट करके, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी कुछ ऐसा बनाना था जिससे थोड़ा हेल्दी भी हो जाए थोड़ा जो, और जो है जल्दी भी बन जाए, तो मैंने कोई तामझाम नहीं किया, 5 मिनट का काम था ये, बहुत ज़्यादा नहीं था, फटाफट से मैंने इसको बनाया। और बस आप इसको दही से जैसे भी आप इसको खाना चाहें जिस चीज़ के साथ वो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने घी लिया है वो भी मैंने अलग लिया है, जिससे हम रोटी में यूज़ करते हैं ना जो घी रोटी चुपड़ने के लिए, तो वो मैं अपने खाने में यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें आटे का अंश रहता है अन्न का। और बस यहाँ पे मीडियम आंच पे मैं सेक लूँगी, इस बार मैंने एक बड़ा करके डाल दिया है, तो इस तरीके से फटाफट हमारा खाना हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी सी टेस्टी सी रेसिपी है फास्ट के लिए, तो अगर आपका कुछ भी बनाने का मन नहीं है, जल्दी आपको खाना है,
मतलब वो है कि मेरी तरह आपका मन नहीं है, सबके लिए तो कर ही दिया, फैमिली के लिए और अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं हम लोग, और खाना तो पड़ेगा क्योंकि कल भी फास्ट रखना है। तो ये मैंने बनाई थी चटनी हरे धनिया हरी मिर्च की सेंधे नमक के साथ, बस कुछ भी नहीं है, और मैंने इसके साथ इसको सर्व किया है। हाँ जी, तो अब आपसे मिली हूँ, सारा काम ख़त्म हो गया है, ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, फिर वो क्लिप छोड़नी पड़ती है, तो आज मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब जैसे किचन वगैरह का काम किया, पूरा काम कंप्लीट हो गया है। पहले कई बार रह भी जाता था, लेकिन अब क्या है कि अकड़ जोत भी जल रही है और घर में माता रानी आई है, तो किचन अच्छे से क्लीन करके छोड़ना पड़ता है। पहले करती तो हमेशा ही हूँ क्योंकि सुबह भी खुद ही करना होता है, लेकिन कभी ना सर्वर दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है या पैरों में बहुत दर्द हो जाता है, तो मैं कई बार ना बर्तन बाद के थोड़े बहुत छोड़ देती हूँ। तो सारा कुछ हो गया है, अब नहीं छोड़े जा रहे हैं, सुबह फिर लेट हो जाता है, तो क्योंकि पूजा डबल है तो इस वजह से अब जो है सारा काम कंप्लीट करके तभी मैं आराम से बैठती हूँ। बैठती क्या, अब तो लेटने का टाइम है, सोने का टाइम है, पर मुझे याद आया कि चलिए वीडियो का एंड कर देती हूँ, रह जाता है ना तो फिर एक दो दिन भी लग जाता है, कई बार वॉइस ओवर करती हूँ तभी जाके एडिट करते हैं ना, वॉइस ओवर करते हैं तो तभी जाके याद आता है कि अरे एंड तो है ही नहीं वीडियो का, और कई बार वॉइस में भी कर देती हूँ, कई बार नहीं हो पाता है, तो इसलिए। दूसरी है नवरात्रि, माता रानी का दूसरा दिन जो है आज समाप्त हो चला है, और कल आएगी माँ चंद्रघंटा तीसरा दिन, तो कल देखती हूँ ब्लॉग हो पाता है नहीं हो पाता है। तो आज का ये दिन ऐसा रहा कुछ जो आपके साथ शेयर किया, आप कैसे नवरात्रि एंजॉय कर रहे हैं, कैसे आपका रूटीन रहता है, मैं तो आपके साथ शेयर करती हूँ लेकिन आपका मैं नहीं देख पाती हूँ, तो किस तरीके का रूटीन आपका रहता है, कैसे आप जो है नवरात्रि में एंजॉय करते हो, तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं क्या करती हूँ नवरात्रि में, मुझे बैठकर तो इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं जो है कहीं कीर्तन में चली जाऊँ, या फिर और हमारे आसपास तो कहीं अभी तक तो हुआ नहीं है, या फिर जो है घर में मैं आराम से बैठ के भजन सुन सकूँ। पाठ वगैरह का टाइम ही बहुत मुश्किल से मिलता है, भजन का तो नहीं मिलता, लेकिन मैं क्या करती हूँ जैसे घर के काम ख़त्म करती हूँ, खासकर किचन का काम बर्तन वगैरह करती हूँ ना, तो एक घंटा मैं अपने भजन सुन लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है भजन सुनना, चाहे वो शंकर भगवान के हों, चाहे वो माता रानी के हों, नवरात्रि में तो खास कर मैं डेली कोशिश करती हूँ कि करीब एक घंटा मैं भजन सुन सकूँ, और भजन भी जो है पुराने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जैसे लखबीर सिंह के हैं और अनुराधा के हैं, मतलब इस तरह के मैं भजन सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक फ्रेशनेस आता है, फ्रेश सा फील होता है अपने आप में ही, अगर सर भी भारी हो ना तो भी फिर जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फास्ट मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये तो मुझे बोलते ही हैं हमेशा कि हमेशा फास्ट रखा कर तू तंदुरुस्त रहती है, अच्छी रहती है, फिट रहती है, मतलब तबीयत ख़राब नहीं होती, पर अब काम का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है तो पैर वैरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे हो जाती है। पहले दिन मुझे सर दर्द था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं दवाई खाऊं, मैंने ऐसे ही कोशिश करी, और मेरा कैमरा हिला है, मैंने ऐसे ही पूरी कोशिश करी कि मेरा दर्द ऐसे ही ठीक हो जाए, और माता रानी की कृपा से ऐसे ही ठीक हो गया है, और जोत अखंड जोत जो मैंने लगाई है, क्योंकि इस बार मैंने बोला था ना कि कलावा अच्छा नहीं है, तो बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी ऐसा रहा हमारा, ज़रूर शेयर कीजिएगा आप भी कैसी आपकी जो है माता रानी की अखंड जोत चल रही है, कई बार ना बहुत परेशानी हो जाती है अखंड जोत को लेके, कई बार बहुत अच्छी चलती है, खैर मेरी ज़्यादा परेशानी कभी नहीं हुई, एक बार हुई थी जब से मैंने लगाना शुरू किया है अखंड जोत, मुझे तो हो गए हैं करीब 12 साल से तो ऊपर ही हो गए, 12 तो हो ही गए हैं अखंड जोत मुझे जलाते हुए, माता रानी की अखंड जोत ही रहती है मेरी दोनों नवरात्रि में, तो इतने साल से मैं कर रही हूँ, एक्सपीरियंस काफ़ी हो रहा है, और अब तो ये भी नहीं है कि रात में बेसुध होकर जो है सो जाओ, माता रानी के सामने मैं सोती हूँ, ज़मीन पे मैं नहीं सोती हूँ, ना मुझसे सोया जाता है ज़मीन पे, कष्ट उतना लेना चाहिए जितना हम झेल पाएँ, कष्ट देना कोई भी ये नहीं है कि कोई पूजा है या कुछ, अपने आप को कष्ट देने के लिए कोई भी भगवान नहीं बोलता, ये सब हमारे बनाए हुए नियम है, पंडितों के बनाए हुए हैं, आप ज़मीन पे सो, आप ऐसे करो वैसे करो, ना मैं बिना चप्पल के रह सकती हूँ और ना मैं ज़मीन पे सो सकती हूँ,
तो माँ हमारी श्रद्धा देखती है, ये नहीं देखती है अरे जमीन पे सो रहे हो ऊपर सो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नवरात्रि से पहले अपना बिस्तर अच्छे से साफ करो, बेडशीट वगैरह धुलो और बिस्तर पे सो। तो मेरा तो ये मानना है, बाकी सबकी देखिए सोच अलग है, किसी की हम एक जैसी सोच नहीं रख सकते, सब लोग अलग अलग होती है। पर मेरी सोच यही है कि जमीन पे सोना कोई ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा फल मिलेगा या माता स्वीकार नहीं करेगी हमारी पूजा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने बिस्तर पे सोती हूँ जैसे हमेशा सोती हूँ, हाँ, लेकिन ये है कि माता रानी का मैं रात भर देखती रहती हूँ, जोत देखती रहती हूँ, तो ऐसा नहीं कि बस सो गई तो सो गई। तो चलिए जी, ये था हमारा आज का ब्लॉग, कैसा लगा आपको? और मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो कर लो ना सब्सक्राइब, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, यूट्यूब फैमिली थोड़ी सी बढ़ जाएगी नवरात्रि में माता रानी की कृपा से। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर ही लेंगे और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।